नमस्कार आदाब, न्यूज 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। शहर के मानगो थाना क्षेत्र में घनी आबादी के बीच SSP कौशल किशोर पुलिस बल के साथ पैदल गश्त करते दिखे। इस दौरान CTSP मुकेश कुमार लुनायत, मानगो थाना प्रभारी विनय कुमार भी गश्त में शामिल थे। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में शहर में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं का पुलिस ने पर्दाफाश किया है और अपराधियों को जेल भेजा है। वहीं बढ़ते अपराध से आम जनता में भय का माहौल बना हुआ है। जनता को शांति प्रदान करने और अपराधियों में भय पैदा करने के लिए जिला पुलिस ने रणनीति के तहत काम करने का निर्णय लिया, जिसके तहत जिले के SSP कौशल किशोर ने शहरी क्षेत्र के थाना क्षेत्र में गश्ती शुरू कर दी है। SSP कौशल किशोर ने कहा कि शहरी क्षेत्र में सभी थाना क्षेत्रों के पुलिस दल गश्ती करेगी। DSP थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ पैदल गश्त करते हुए आम जनता से बातचीत भी करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल आम जनता और पुलिस के बीच की दूरी को कम करने का एक प्रयास है। अगर उन्हें किसी घटना की जानकारी मिलती है या कोई संदिग्ध सूचना मिलती है तो वे तुरंत इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दें। उनका नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। SSP कौशल किशोर ने कहा कि अपराध पर नियंत्रण के लिए आम जनता की भागीदारी जरूरी है। वहीं व्यवसायों से अपील भी की कि वे खुद से पहल करें और गलियों में CCTV कैमरे लगवाने का प्रयास करें ताकि अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। देखिए, मैसेज बड़ा स्पष्ट है। जमशेदपुर पुलिस के द्वारा एक इनिशिएटिव CTSP के नेतृत्व में लिया गया है, जिसमें कि जितने भी थाना है उन सभी शहरी थानों में, खासतौर पर वैसे पूरे ज़िले में किया जा रहा है, जितने भी थाना क्षेत्र हैं उनको एक तरीके से टास्क किया गया है कि पैदल गश्ती पे विशेष तौर पर फोकस करें और रैंडमली जगहों को चिन्हित किया गया है और उन जगहों पर जहां ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है या वैसे जगह जहां क्रिमिनल हॉटस्पॉट्स हैं, जहां आपराधिक घटनाओं की कहीं ना कहीं आवृत्ति अधिक रही है, उन सभी स्थलों पर लगातार थानों के लेवल पर जितने भी थाने के पदाधिकारी हैं, थाने के जो प्रतिनियुक्त सिपाही हैं, वो सारे जो है थाना प्रभारी के नेतृत्व में निकले और उसमें लगातार जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, DYSP रैंक के हों या SP रैंक के हों, वो भी शामिल हो रहे हैं, जिसका उद्देश्य यही है कि पुलिस की विजिबिलिटी बनी रहे शहर में और जो इस प्रकार के जो भी आपराधिक तत्व हैं उनको एक मैसेज जा सके और लगातार जो एक अभियान चल रहा है अपराधियों के विरुद्ध, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध, वो लगातार जारी रहे।